ओम शांति। आज हम बाप दादा के 1 मार्च 1983 को अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। मुरली का विषय है विश्व के हर स्थान पर आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल पहुंचाओ। आज बाप दादा वतन में रूह रूहान कर रहे थे, साथ साथ बच्चों की रिमझिम भी देख रहे थे। जब हम कहते हैं कि बाप दादा रूह रूहान कर रहे थे तो सूक्ष्म वतन में निराकार शिव बाबा और अकारी रूप फरिश्ता रूप वाले ब्रह्मा बाबा, यूं तो वो एक ही रथ में रहते हैं, सूक्ष्म रूप से निराकार भी अकारी रूप धारण किए हुए हैं और साकार ब्रह्मा जो थे वो भी अकारी रूप धारण किए हुए हैं। फिर भी दो आत्माएं हैं, एक महान आत्मा और एक परमात्मा है, तो आपस में भी उनका रूह रिहान चलता है, क्योंकि परमात्मा ने ब्रह्मा बाप को आपसमान बनाया, तो ब्रह्मा बाप जो अन्य बच्चे हैं सारे उनको भी आप समान देखना चाहते हैं, यानी ब्रह्मा के समान देखना चाहते हैं, और नीचे जो चल रहा है वतन में देख रहे हैं कि बच्चों की आपस में क्या गुफ्तगु चल रही है, क्या उनके आपस में संकल्प चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, अपने बारे में क्या चल रहे हैं, भविष्य के बारे में क्या चल रहे हैं, सेवा के बारे में, तो बाबा उस सारे सीन को भी देख रहे हैं। वर्तमान समय मधुबन वरदान भूमि पर कैसे बच्चों की रिमझिम लगी हुई है वह देख देख हर्षा रहे थे। यानी बाबा ने कहा हुआ मधुबन की महिमा, भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है कि मधुबन में जो लीलाएं चलती हैं, एक होते कर्म, कर्म का तो हिसाब किताब बनता है, जो लीलाएं होती हैं चरित्र होते हैं वो ईश्वरीय होते हैं, ईश्वर या उनके संतान गोप गोपियाँ, तो वो लीलाएं बड़ी विचित्र होती हैं, तो उन लीलाओं को कहाँ, केवल मधुबन में ही होती हैं। तब बाबा कहते हैं मधुबन की रास भी मशहूर है, तो अर्थात अपनी राशि को मिलाना, तो उस कार्य के लिए चारों ओर के सारे विश्व के बच्चे मधुबन में इकट्ठे हुए हुए हैं और बाबा उनके भी लीलाओं को देख रहे हैं। बाप दादा देख रहे थे कि मधुबन पावर हाउस से चारों ओर कितने कनेक्शंस गए हुए हैं। आज बाबा फिर एक और चीज़ देख रहे हैं कि जैसे कोई पावर हाउस होता है उससे चारों तरफ बिजली जाती है जो जो कनेक्शन लेता है, तो मधुबन से इस ईश्वरीय ज्ञान की शक्ति पावर्स के, जिसको कहते हैं माइट, स्पिरिचुअल माइट के और लाइट के, क्योंकि पावर हाउस में दो चीज़ें होती हैं, एक तो रोशनी देती हैं बिजली और दूसरी पावर, पावर कनेक्शन भी लोग लेते हैं ना अलग से, तो वो कितने गए हुए हैं बाबा देख रहे थे। आप तसव्वुर करें कि दुनिया के अंदर भी जो दुनिया का एटलस होता है, तो जैसे मान लीजिए एयरलाइन की कंपनियां हवाई जहाज़ की, तो उनके कईयों के जो प्लेन हैं वो दूर दूर तक जाते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, तो वो भी अपना नक्शा बनाते हैं, उनकी बुकलेट में भी छपा होता है कि हमारे हेडक्वार्टर ये है और यहाँ से मान लो ब्रिटिश एयरवेज है या कुछ और है, तो वो कहाँ कहाँ तक हमारे प्लेन जाते हैं उसकी लाइनें बनाई होती हैं, तो कईयों के तो इतने जाला होता है, देखने में लगता है वो सारा एटलस ही उसमें छिप गया है, तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि ये सूक्ष्म पावर हाउस से कितने कनेक्शन चारों ओर विश्व में गए हैं। जैसे स्थूल पावर हाउस से अनेक तरफ लाइट के कनेक्शंस जाते हैं, ऐसे इस पावर हाउस से कितने तरफ कनेक्शंस गए हैं, विश्व के कितने कोनों में
लाइट के कनेक्शन गए हैं और कितने कोनों में अभी कनेक्शन नहीं हुआ है, ये भी बाबा देख रहे हैं। जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी यही कोशिश करती है कि अपने राज्य में सभी कोनों में, सभी गांवों में, चारों तरफ लाइट और पानी का प्रबंध ज़रूर हो। ओके, बिजली पानी वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जीवन के लिए, और आज की दुनिया में सबसे पहला काम जो सरकार करती है वो कहती है गांव-गांव तक हमने बिजली पहुंचाना है, गांव-गांव तक पीने का पानी पहुंचाना है, और उसका फिर वो अपनी प्रोग्रेस भी बताते हैं कि हमने एक स्टेट के सभी गांव में बिजली पहुँचा दी, और कहते हैं हमारे देश का ये स्टेट फुल्ली इलेक्ट्रिफाई हो गया है। ऐसे ही पानी, पीने का पानी, क्योंकि जो फिल्टर्ड ड्रिंकेबल पोटेबल वाटर होता है वो भी लोगों को नसीब नहीं होता। आगे ज़माने में पानी नदी से, नहर से, कुएँ से निकल आता था, आजकल बहुत पोल्यूशन है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है वो भी हर घर में कनेक्शन दिया जाए। तो पांडव गवर्नमेंट क्या कर रही है? हाँ। ज्ञान गंगाएं चारों ओर जा रही है, पावर हाउस से चारों ओर लाइट का कनेक्शन जा रहा है। जैसे ऊपर से किसी भी शहर को या गांव को देखो तो कहां कहां रोशनी है, नजदीक में रोशनी है या दूर दूर है, वह दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। अगर रात के वक़्त कोई प्लेन से ट्रेवल कर रहा है और कोई नगर या देश अप्रोच कर रहा है तो नीचे देखेगा तो उसको बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देता है। कई जगह घनी घनी लाइट्स हैं, मतलब वो सिटी है, कोई अर्बन एरिया है। आगे जाएंगे तो दूर दूर थोड़ी थोड़ी जैसे सड़क के ऊपर लाइट्स होती हैं, वो एक लाइन सी होगी, उससे पता लगेगा ये रोड जा रही है, कहीं बड़ी रोड जा रही है, छोटी रोड जा रही है। और फिर धीरे धीरे जब वो नगर या देश लुप्त होता जाएगा तो फिर लाइट्स दूर दूर कहीं कहीं दिखेंगी। इसी प्रकार से बाबा कह रहा है कि बाबा के लाइट हाउस कहाँ तक पहुँचे हुए कनेक्शन। बाप दादा भी वतन से दृश्य देख रहे थे कि कितने तरफ लाइट है और कितने तरफ अभी तक लाइट नहीं पहुंची है। रिजल्ट को तो आप लोग भी जानते हो कि देश विदेश में अभी तक कई स्थान रहे हुए हैं जहां अभी कनेक्शंस देने हैं। जैसे लाइट और पानी बिगर उस स्थान की वैल्यू नहीं होती, ऐसे जहां आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल की पूर्ति नहीं हुई है वहां की चैतन्य आत्माएं किस स्थिति में है? हाँ, बाबा कहते हैं उनकी क्या वैल्यू है जो जिनको ज्ञान की लाइट है, जागृत है, और जिनको जल है, रोज ज्ञान अमृत पीने का प्रबंध है, वो और अन्य आत्माएं जिनके पास ना तो ज्ञान की लाइट है, अंधकार है, और ना ही उनको ज्ञान अमृत पीने का कनेक्शन है, उनके और उनके जीवन में कितना फर्क है जमीन आसमान का, वो बाबा बता रहे हैं। अंधकार में, प्यास में भटक रही हैं, तड़प रही हैं, ऐसे आत्माओं की वैल्यू क्या बताते हो? चित्र बनाते हो ना, कौड़ी तुल्य और हीरे तुल्य। लाइट और ज्ञान जल मिलने से कौड़ी से हीरा बन जाते हैं, तो वैल्यू बढ़ जाती है ना। बाप दादा देख रहे थे कि आए हुए देश विदेश से बच्चे पावर हाउस से विशेष पावर लेकर अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं। ये भी है, बाबा कहते हैं इस दुनिया के अंदर भी
मान लीजिए कोई नगर है और उस नगर में बहुत सारी आबादी है और म्यूनसिपैलिटी है पुरानी, तो वो कह देते हैं कि हम सारे दिन में 4 घंटे पानी देंगे। और इसी प्रकार से आबादी बढ़ती जाती है तो हम रात को 6 घंटे बिजली देंगे कहते हैं। फिर क्या होता है, कुछ उस नगर के अंदर नई टाउनशिप बनाते हैं बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, वो क्या कहते हैं, आपको 24 घंटे बिजली पानी मिलेगा। वो ऐसा प्रबंध करते हैं, वहाँ पर जनरेटर लगाते हैं या पानी का प्रबंध करते हैं, चाहे आप 10वीं मंजिल पर हो वहाँ भी आपको पानी मिलेगा। तो उससे उनके प्रॉपर्टी की बहुत वैल्यू हो जाती है, लोग दूर दूर से आकर उसको लेते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो बच्चे इकट्ठे हुए हैं वो केवल अपने लिए ही लाइट के कनेक्शन नहीं ले रहे हैं, अपने लिए ही ज्ञान का प्रबंध नहीं कर रहे हैं, वो तो कर चुके हैं, वो यहाँ इसलिए आए हैं कि अधिक पावर लेकर के अपने देश में अपने स्थान पे जाएंगे और आगे उसको और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे नदियाँ भी होती हैं तो नदियों से बहुत लोग जल लेते हैं, लेकिन फिर उनसे नहरें निकाली जाती हैं, फिर उनसे छोटे छोटे नहरों से भी आगे निकाले जाते हैं ताकि हर जगह पर जहाँ तक हो सके जल पहुँचाया जाए। ऐसे ही बिजली है, एक जगह आ गई फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बाबा कहते हैं ये जो बच्चे इकट्ठे हुए हैं ये किस लिए हुए हैं, यहाँ से कनेक्शन और लेके जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा देख रहे थे कि आए हुए देश विदेश से बच्चे पावर हाउस से विशेष पावर लेकर अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं। एक तरफ तो बच्चों के स्नेह में बाप दादा समझते हैं कि मधुबन अर्थात बाप दादा के घर का श्रृंगार जा रहे हैं। जब भी बच्चे मधुबन में आते हैं तो मधुबन की रौनक या स्वीट होम की झलक क्या हो जाती है, बच्चे भी खुश होते हैं और घर भी सजा हुआ लगता है। मधुबन वाले भी ऐसे महसूस करते हैं कि मधुबन की रौनक बढ़ाने वाले हमारे स्नेही साथी आए हैं। अब बाबा ने डिस्क्राइब किया है, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा के टाइम में हम देखते थे कहीं से भी बाबा के बच्चों का ग्रुप आता था छोटा या बड़ा, तो जिस वक़्त वो वापस जाते थे तो ब्रह्मा बाबा एक पांडव भवन में एक पेड़ होता था, उस पेड़ तक जा कर के अपना रुमाल हिला करके उन बच्चों को विदाई दिया करते थे और गीत बजता था भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है, एक रिकॉर्ड होता था बकायदा तौर पर। इसी प्रकार से आप सोचें कि किसी का एंसेस्ट्रल विलेज है, अब एंसेस्ट्रल विलेज में उसकी हवेली है और उसके अंदर उसके बुज़ुर्ग कोई दादा दादी वगैरह रहते हैं, नाना नानी वगैरह रहते हैं और वहाँ पर उस हवेली को संभालने वाले भी रहते हैं। तो जब कोई कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसमें सारा परिवार उस हवेली में इकट्ठा होता है, जैसे क्रिश्चियंस में क्रिसमस के दिन दूर दूर से सब इकट्ठे होते हैं, हर जगह होता है, कोई ऐसा डे आता है, मान लो ग्रैंड फादर्स डे आ गया, ग्रैंड मदर्स, तो सारे दूर दूर से देश विदेश से रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, उस समय रौनक क्या हो जाती है। वो हवेली जो अकेली पड़ी है उसके अंदर केयर टेकर बैठे हैं या बुज़ुर्ग बैठे हैं तो इतनी रौनक हो जाती है, केयर टेकर भी खुशी में आ जाते हैं कि देखो एकदम माहौल ही बदल जाता है। और जो एल्डर होते हैं वो तो देख करके बहुत खुश होते हैं अपने सारी अपने परिवार को। अच्छा, अब जब जाने का दिन आता है तो फिर क्या होता है, तो उनको फील होता है ना, अरे सारा कुछ जैसे आप जाएंगे तो रौनक ही चली जाएगी, सारा हमारा श्रृंगार चले जाएगा। तो बाबा वो बयान कर रहे हैं, आए तो पावर हाउस से पावर लेने हैं और पावर ले जा कर के वहाँ और कनेक्शन देंगे, लेकिन दूसरी ओर बाबा कह रहे हैं कि जो स्नेह है बाप का वो क्या जाहिर कर रहा है फील, क्योंकि बाबा को तो बच्चे 5,000 साल के बाद मिलते हैं, तो 5,000 से बाद मिले हुए बच्चे का एक दिन भी जो होता है बाप उसमें एक दिन में ही सब कुछ उसके अंदर भरना चाहता है,
है ना, भरपूर करना चाहता है, तो एक तरफ से नहीं है कि बच्चे और रहें, कौन कौन माता पिता चाहेंगे कि चले जाएं रौनक, दूसरी ओर फिर ये है वो अंदर से जानते हैं, आज की दुनिया में भी जानते हैं कि अपने अपने स्थान पर इनको जाना पड़ेगा, तो ये बाबा बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे भी खुश होते हैं और घर भी सजा हुआ लगता है, मधुबन वाले भी ऐसे महसूस करते हैं कि मधुबन की रौनक बढ़ाने वाले हमारे स्नेही साथी आए हैं, जैसे आप लोग वहाँ याद करते हो, चलते फिरते, उठते बैठते, मधुबन की स्मृति सदा ताजी रहती है, वैसे बाप दादा और मधुबन निवासी भी आप सबको याद करते हैं। क्योंकि जब ये खास मुलाकात होती है, साल में एक बार समझिए वो आते हैं, तो बाबा कहते हैं उनके अंदर वो छाप हो जाती है और अपने देश में जाकर अगले साल का इंतज़ार करते हैं, तो उनके अंदर चलते फिरते वो मधुबन का सीन तो छपा रहता है और जो वहाँ की प्राप्ति होती है उसकी खुशी भी रहती है। इसी प्रकार से यहाँ से जो जा रहे हैं तो बाबा कहते हैं आप वहाँ मधुबन को याद करते रहते हो और मधुबन वाले भी आपको याद करते रहते हैं। स्नेह के साथ साथ सेवा भी विशेष सब्जेक्ट है। अब बाबा कहते हैं दूसरी ओर है कि कमाऊ बच्चा जो होता है उसको माँ बाप घर में नहीं रखते, उसको भेजते हैं। दुनिया के अंदर ये भी कहावत है कि जो गौशाला होती है, जो गाय दूध नहीं देती, पच्छर जिसको जिसको सिर्फ चारा ही खिलाना पड़ता है उसके लिए गौशाला खोली जाती है, उसको वहीं रखा जाता है, और जो गाय दूध देने वाली हो वो जा कर के दूध देती है जगह जगह पर। ऐसे ही बाबा कहते थे कि माउंट आबू में बाबा उनको वापस बुला लेते हैं जो बिल्कुल ही जिनको पालना करने की आवश्यकता होती है, वरना जो कमाऊ बच्चे हैं उसको तो माँ बाप सात समुंदर पार भी भेज देते हैं कमाई करने के लिए, एक्सपोर्ट क्वालिटी जिसको कहा जाता है। स्नेह के साथ साथ सेवा भी विशेष सब्जेक्ट है, इसलिए स्नेह से तो समझते हैं यहाँ ही बैठ जाएं, लेकिन सेवा के हिसाब से चारों ओर जाना ही पड़े। हाँ, ऐसा भी समय आएगा जो जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही स्थान पर बैठे बैठे चारों ओर के परवाने स्वतः क्षमा पर आएंगे। तो बाबा उनको दिल को तसल्ली भी दे रहा है, क्योंकि वो सोचते हैं कि देखो ये मधुबन वाले तो बाबा के पास ही बैठे हैं, और जो आसपास के नज़दीक के शहरों वाले हैं, इंडिया वाले हैं, वो भी जल्दी से आ सकते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, इतनी दूर चिल्ली में जा रहे हैं, हम न्यूजीलैंड में जा रहे हैं, तो ठीक है सेवा के लिए जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा दिल के अंदर ऐसा तो होता है ना कि हम भी यहाँ रहें। तब बाबा उनको कह रहे हैं इस वक्त आप जा रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप यहीं रहोगे, वापस नहीं जाओगे, और उसके लिए बाबा बता रहे हैं कि उस समय तुम्हारी स्टेज क्या होगी, कि तुम्हारे पास लोग आएंगे, जैसे शमा के पास परवाने आते हैं, कुएं के पास प्यासे आते हैं, ऐसे भीड़ लगेगी, आपके दूर दूर के देशों के लोग आपके पास वहां आकर के प्राप्ति करेंगे। ये तो छोटा सा सैंपल देखा कि आबू हमारा ही है, अभी तो किराए पर मकान लेने पड़े ना, फिर भी थोड़ी सी रौनक देखी। बाबा कहते तो ट्रेलर देखा, क्योंकि इस समय 83 में जो वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके अंदर सारे देशों के ना सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के बच्चे आए, क्योंकि एक विशेष संगठन था और उसमें हर एक को खुशी लेनी भी थी और हर एक को अपनी प्रेजेंस से सेवा करनी भी थी, क्योंकि जब माउंट आबू में लोग देखेंगे कि अमेरिका से भी आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं, लंदन से भी आए हैं, तो यज्ञ की शोभा बढ़ती है, या किसी के फैमिली मीटिंग में भी उसके देश विदेश के रिश्तेदार आते तो शोभा बढ़ती है ना, तो दो काम से ज़्यादा आए, फिर बाहर वालों के भी लाए, तो उसके लिए अपना इतना स्थान तो था नहीं, सारा स्थान भर गया,
तो आसपास के मकान भी किराए पर लेने पड़े। तो बाबा ने कहा ये तो तुमने सैंपल देखा, आगे के ये तो ट्रेलर देखा, आगे क्या होने वाला है, स्थान भी बढ़ाए जाएंगे, तुम्हें रखने का प्रबंध भी किया जाएगा, किराए के मकान में माउंट आबू में आके रहना वो फीलिंग तो नहीं आती ना जो माउंट आबू के अंदर रहना होता है। कईयों ने उस वक़्त कहा भी, वो बोले कि हमें फुल कमरा ना दो किराए के मकान में, हम धरती पर सो जाएंगे, छः जने सो जाएंगे, हमें यहाँ रखो क्योंकि फीलिंग है। तो बाबा कहता वो प्रबंध भी होगा। ऐसा समय आएगा जो चारों ओर फरिश्ते नजर आएंगे। अभी मुख द्वारा सेवा का पाठ चल रहा है और अभी कुछ रहा हुआ है, इसलिए दूर दूर जाना पड़ता है। अभी श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा जो पहले भी सुनाई है, अंत में वही सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। बाबा कहते हैं पहले किसी भी नई इन्वेंशन को प्रोपागेट किया जाता है, दूर दूर जाके उसके सैंपल दिए जाते हैं, उसका टेस्ट करवाया जाता है और लोग खुश होते हैं, उनको फ्रीली बांटा जाता है। लेकिन जब वो चीज़ पॉपुलर हो जाती है तो फिर जाया नहीं जाता, फिर कहते हैं वहाँ आके हमारे से जिसको लेना लो। तो बाबा कहते हैं जब आपकी ये अभी बोलने की अवस्था है, मैसेज दे रहे हो, लेकिन जब आपका धारणा स्वरूप हो जाएगा तो उनको फरिश्ते दिखेंगे कि जैसे कि हवा में चारों तरफ, चारों तरफ का मतलब है सभी दुनिया में जहाँ जहाँ बाबा के सेंटर हैं, आपका फरिश्ता रूप आएगा भी वो आपके सेंटर पर, तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको लाइट और उसको माइट फील होगी, अलौकिकता महसूस होगी, तो फरिश्ता रूप दिखेगा। कईयों को घर बैठे भी उसका विजन होगा, तब बाबा कहता है फिर वो अपने आप खिंचे हुए आएंगे। हमें कोई बुला रहा है, हाँ, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा, हाँ, शुभ संकल्प का बुलावा हो, हाँ, रहा है, ऐसे अनुभव करेंगे, उनको महसूस होगा। कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे, माउंट आबू का विजन करेंगे वहां बैठे बैठे। दोनों प्रकार के अनुभव बहुत तीव्र गति से, हाँ, अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। तो इस वर्ष क्या करेंगे? हाँ। तो बाबा ने दो बताया, एक दिव्य बुद्धि द्वारा और एक दिव्य दृष्टि द्वारा। प्रयत्न अच्छा किया है, इस वर्ष रहे हुए स्थानों को लाइट तो देंगे ही, लेकिन हर स्थान की विशेषता इस वर्ष यही दिखाओ कि हर सेवा केंद्र, उसमें भी विशेष बड़े बड़े केंद्र जो हैं, उसमें ये लक्ष्य रखो, जैसे कभी धर्म सम्मेलन करते हो तो सभी धर्म वाले इकट्ठे करते हो। अब बाबा फ्यूचर के लिए कि वो जो स्थिति आनी है, वो जो दिन आना है, उसके लिए क्या क्या तैयारी करो। तो बाबा क्योंकि कहते हैं मैं सर्व आत्माओं का पिता हूँ और हर प्रकार के प्रोफेशन वाली आत्माओं का पिता हूँ, ऐसे नहीं है कि भगवान सिर्फ धार्मिक लोगों का ही पिता है, वैज्ञानिकों का नहीं है, है ना, राजाओं का नहीं है, पॉलिटिशियन का नहीं है, बिजनेसमैन का नहीं है। तो ये बाबा ने बहुत सुंदर नक्शा बताया है। मान लीजिए किसी पहाड़ की चोटी पर कोई खजाना दबा हुआ है, उसका किसी को पता नहीं है। अच्छा, अब किसी को दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए उसको विजन आ जाए कि एक जगह ऐसा पहाड़ है, उसमें इतना बड़ा खजाना छपा हुआ। अब वो तो विजन देख रहा है तो क्या करेगा, वो फौरन सोचेगा कि मैं उसको ढूंढूं, वो पहाड़ कहाँ है, फिर उसका नक्शा बनाएगा, फिर उसको पाने के लिए चल पड़ेगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं वो तो दुनिया का हीरे जवाहरात का खजाना होगा, ये तो ज्ञान रत्नों का खजाना है। तब बाबा कहता है कि जब उनको विजन होगा या कोई जाके उनको नक्शा दिखाएगा कि देखो वहाँ पर ये खजाना है, हम भी इसका कुछ हिस्सा लेके आए, आप भी चलो, तो बाबा कहता है पहुँचेंगे। लेकिन उसके लिए अभी क्या करना है वो बाबा प्लान बता रहे हैं कि जाओगे तो वहाँ जाके कैसे प्रोसीड करो। जैसे कभी धर्म सम्मेलन करते हो, हाँ,
तो सभी धर्म वाले इकट्ठे करते हो या राजनीतिक को बुलाते हो, साइंस वालों को विशेष बुलाते हो, अलग अलग प्रकार के स्नेह मिलन करते हो, तो इस वर्ष हर स्थान पर सर्व प्रकार के विशेष ऑक्यूपेशन वाले संबंध में आने वाले तैयार करो। तो जैसे अभी ऐसे कहते हैं कि यहाँ काले गोरे सब प्रकार की वैरायटी है, क्योंकि माउंट आबू में जब ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ब्लैक स्किन वाले भी आए कंट्रीज से, चाइनीज वाले जैसे भी आए, गोरे स्किन वाले भी, हर प्रकार के आत्मा इकट्ठी हुई। तो जैसे एक छोटी दुनिया दिखाई देती है, यहाँ देखो हर प्रकार के दुनिया के कोने कोने से लोग आए हैं, इसी प्रकार बाबा कह रहा है कि तुम्हारे सेंटरों पर एक स्थान पर सर्व रंग देश धर्म वाले हैं। ऐसे ये कहें कि यहाँ सर्व ऑक्यूपेशन वाले हैं, विशेष आत्माएं एक ही गुलदस्ते में वैरायटी फूलों के मिसल दिखाई दें। हर सेंटर पर हर ऑक्यूपेशन वाली विशेष आत्माओं का संगठन हो, जो दुनिया में ये आवाज बुलंद हो कि यह एक बाप एक ही सत्य ज्ञान सर्व ऑक्यूपेशन वालों के लिए कितना सहज और सरल है। अर्थात हर सेवा स्थान की स्टेज पर सर्व ऑक्यूपेशन वाले इकट्ठे दिखाई दें। उससे क्या होगा कि इस ज्ञान जी का यूनिवर्सल जो इसका स्वरूप है वो दिखाई देगा। अदरवाइज क्या होता है कि मान लीजिए हमने स्पेन में जाके सेंटर खोला, अच्छा तो भारत के भाई बहन गए स्पेन में सेंटर खोला, तो वहाँ क्लास में जितने आएंगे वो कहा जाएगा स्पेनिश आए हैं। लेकिन अगर स्पेन के अंदर से भी भिन्न भिन्न वर्गों वाले आते हैं, उसमें कोई धर्म वाला भी आता है, कोई साइंटिस्ट भी आता है, कोई राजनीतिक भी आता है, उस क्लास से फिर क्या समझेंगे कि ये ज्ञान हर एक प्रोफेशन वाले के लिए, देश भले स्पेन है लेकिन उससे लगेगा कि हर एक के लिए सहज ज्ञान है। तो ये बाबा ने विधि बताई है। कोई भी ऑक्यूपेशन वाला रह ना जाए, गरीब से लेकर साहूकार तक, गांव वालों से लेकर बड़े शहर वाला तक, मजदूर से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति तक, सर्व प्रकार की विशेष आत्माओं की अलौकिक रौनक दिखाई दे, जिससे कोई भी ये नहीं कह सके कि क्या ये ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ इन्हीं के लिए है। सर्व का बाप सर्व के लिए है, बच्चे से लेकर परदादे तक सभी ऐसा अनुभव करें कि विशेष हमारे लिए ये ज्ञान है। अब इसमें बाबा ने जो बात कही है, विशेष शब्द साथ लगाया कि बाबा कहते हैं भले ही मजदूर से लेकर उद्योगपति तक होगा, लेकिन विशेष मजदूर भी कैसा, मजदूर तो दुनिया के अंदर करोड़ों हैं, एक देश के अंदर भी करोड़ों हैं, मजदूरों का भी एक मजदूर नेता होता है जो उनका लीडर होता है। अगर वो मजदूर एक रिप्रेजेंटेटिव आता है तो उससे लगता है वो विशेष है, क्योंकि उसकी आवाज़ सारे मजदूर सुनेंगे। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं उद्योगपति, उद्योग तो दुनिया में सैकड़ों प्रकार के हैं, छोटी सी दुकान वाला भी उद्योगपति है, नहीं उद्योगपतियों में भी कोई नामी ग्रामी उद्योगपति, बच्चे हैं, बच्चे तो दुनिया के अंदर करोड़ों हैं, लेकिन कोई विशेष ऐसा चमत्कारी बच्चा जिसको देख करके लगे कि विशेष बच्चा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि विशेष हर वर्ग के विशेष से विशेष उसमें आए। तो बाबा ने कहा
कि विशेष हमारे लिए ज्ञान है, जैसे आप सभी ब्राह्मणों के मन से दिल से एक ही आवाज निकलती है कि हमारा बाबा है। ऐसे विश्व के कोने कोने से विश्व के हर ऑक्यूपेशन वाली आत्मा दिल से कहे कि हमारे लिए बाप आए हैं, हमारे लिए ही ये ज्ञान सहारा है। ज्ञान दाता और ज्ञान दोनों के लिए सब तरफ से सब प्रकार की आत्माओं से यही आवाज निकले। एक तो ज्ञान, क्योंकि ज्ञान फल है, किसी को ज्ञान से प्राप्ति होती है तो नेचुरली जिसने वो ज्ञान दिया है वो तो उसका रूट हो गया ना, क्रिएटर हो गया। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और ज्ञान दाता दोनों को सब ये गिने कि हमारा जैसे प्राण देने वाले हैं, ये हमारे दुखों को दूर करने वाले। उदाहरण के अर्थ तौर पे उसमें डॉक्टर भी आए तो डॉक्टर को महसूस हो कि मुझे भी कुछ प्राप्त होता, और पेशेंट भी आए तब बाबा कहता कि इसको गिना जाएगा। पेशेंट तो दिखता है ये तो रोगी है, इसको चाहिए अपना शांति चाहिए, इसको दुख से मुक्ति चाहिए। लेकिन डॉक्टर तो लोग ये समझते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो तो मुक्तिदाता ही होता है लोगों के, लेकिन डॉक्टरों को कितना उनके अंदर कितना अपने लिए भी उनको चाहिए होता है कोई नहीं पूछता। वो तो समझते हैं कि डॉक्टर का काम है पेशेंट की सेवा करना, बस इसको ठीक कर दे। अब उसमें कितनी कॉम्प्लिकेशन होती है आप देखिए कि डॉक्टर लाख यत्न करने पर भी अगर किसी के कर्म ऐसे हैं, किसी की मृत्यु आ गई है तो डॉक्टर कोशिश करते करते भी उसको बचा नहीं सकता, तो दोष दे देंगे डॉक्टर ने इसको मार डाला। तो उस पर का, और फिर डॉक्टर किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसका शरीर छूट जाता है, वो अपनी आँखों से देख रहा है, तो उसको कितने उसके अंदर इस प्रकार के जो भाव होते हैं जिससे उनके अंदर तनाव होता है, अशांति होती है, वो बाबा कहते हैं उसको भी चाहिए। तो अगर दोनों आएंगे तो हर एक कहेगा ना, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, हर एक कहे कि ये ज्ञान मेरे लिए है, मुझे इसकी आवश्यकता है, और ऐसा ज्ञान भगवान ही दे रहा है। जैसे बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान ही हमारा सहारा है, सहारा। हाँ। वैसे सर्व ऑक्यूपेशन वालों की सेवा करते भी रहते हो, लेकिन हर स्थान पर सब वैरायटी हो, और फिर ऐसे वैरायटी ऑक्यूपेशन वालों का गुलदस्ता बाप दादा के पास लाओ, तो हर सेवा केंद्र विश्व की सर्व आत्माओं के संगठन का एक विशेष चैतन्य म्यूजियम हो जाएगा, नमूना हो जाता ना जैसे किसी चीज का। तो बाबा कहते हर सेंटर ऐसा हो जाएगा जिसको लोग देखने के लिए चैतन्य म्यूजियम आए। भारत में भी ऐसे था, भारत में पहले जब बाबा के सेंटर खुले उसमें कुमार आते थे, बुज़ुर्ग आते थे, कुमारियां आती थीं या माताएं आती थीं या भाई आते थे, लेकिन जब युगल कपल आने शुरू हुए तब बाबा ने कहा कि अब लोगों की समझ में आएगा कि कपल के कपल एक ही पत्नी आ रही है, किसी का पति आ रहा है, वो नहीं, कपल आने शुरू हुए तो जिस सेंटर में ज़्यादा युगल आते थे उस सेंटर को बाबा कहता था ये प्रवृत्ति मार्ग में इस ज्ञान लागू होता है, इसको सिद्ध करेंगे। ऐसे ही आप बाबा भविष्य फॉरनर को बता रहे हैं। बाबा ने कहा समझा, जो भी संपर्क में है उन्हीं को संबंध में लाते हुए सेवा की स्टेज पर लाओ। अब बाबा ये कह रहे हैं कि अब जो कॉन्फ्रेंस हुई है इससे जो लोग कॉन्टेक्ट में आए हैं, बड़े बड़े आए हैं, अब सेवा आगे कैसे बढ़ानी है, उस संबंध में तो आ गए, ऐसे नहीं कॉन्फ्रेंस अटेंड करके थोड़ा लाभ लेके चले गए, नहीं, उन्हीं को निमित्त बनाओ ताकि उनका भी भाग्य बने, उनको संपर्क में लाओ, फिर सेवा करवाओ उनसे। समय प्रति समय जो भी वीआईपीज व पेपर्स वाले आए हैं उन्हीं की सेवा, उन्हों को सेवा की स्टेज पर लाते रहो। हाँ। पेपर मैंने मीडिया वाले। हाँ। तो मुख से बोलने से भी वह मुख का बोल उन आत्माओं के लिए ईश्वरीय बंधन में
बंधने का साधन बन जाता है। क्योंकि जब मुख से बोलेंगे, अनुभव सुनाएंगे तो पक्के होंगे और कहेंगे कि हम ईश्वरीय ज्ञान को बोल रहे हैं, तो ये भी उनको वरदान हो जाएगा ना। मान लो उनकी एंट्री मिल जाएगी उनको बाबा के यज्ञ में। एक बार बोला कि बहुत अच्छा है, हाँ। और फिर संबंध से दूर हो गए तो भूल जाते हैं, हाँ। लेकिन बार बार बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहते रहें अनेकों के सामने, तो वह बोल भी उन्हीं उन्हों को अच्छा बनने का उत्साह बढ़ाता है, हाँ। और साथ साथ ये तो एक हिस्सा है उसका कि खुद बोलेंगे बार बार बहुत अच्छा है बहुत अच्छा, तो अपने अंदर धारणा करेंगे। अब उसका दूसरा भाग भी है, वो बाबा बता रहे हैं साथ साथ। और साथ साथ सूक्ष्म नियम भी है, हाँ। कि जितनों को अनेक बोल द्वारा परिचय मिलता है, हाँ। अर्थात उनके नाम द्वारा बोल द्वारा जितनों पर प्रभाव पड़ता है, यानी वो वीआईपी हैं पद वाले हैं तो उसको लोग सुनते हैं ना, बड़े आदमी की बात सुनते हैं, तो बाबा कहते उनके नाम और पद के द्वारा जितनों को ज्ञान ये मिलता है परिचय और उससे वो प्रभावित होते हैं वह लोग। जितनों को अनेक बोल द्वारा परिचय मिलता है, अर्थात उनके नाम द्वारा, हाँ। बोल द्वारा जितनों पर प्रभाव पड़ता है, उन आत्माओं का शेयर उनको मिल जाता है। देखिए उनकी सेवा की तो उसके भी आशीर्वाद के तौर पे समझो, थैंक्स के तौर पे समझो, उनका भी हिस्सा उनको ऐड हो गया, तो संबंध में लाने से कितना उनको भी आगे बढ़ने का मौका है, अर्थात उनके खाते में, हाँ। पुण्य की पूंजी जमा हो जाती है, हाँ। और वही पुण्य की पूंजी अर्थात पुण्य का श्रेष्ठ कर्म, हाँ। श्रेष्ठ बनने के लिए उन्हीं को खींचता रहेगा, हाँ। इसलिए जो अभी डायरेक्ट बाप की भूमि से, हाँ। कुछ ना कुछ ले गए हैं, हाँ। चाहे थोड़ा चाहे बहुत, लेकिन उन्हीं से दान कराओ। ये देखो बाबा ने कितनी गहरी बात बताई है कि आपने किसी को कुछ दिया, अब उस देने का उसको पूरा लाभ हो, वो बाबा ने डिटेल में बताया। अब डॉक्टर किसी को दवाई दे देता है, अब उसने दवाई खाई, उसने परहेज़ किया, उससे उसको लाभ हुआ, अगर डॉक्टर उसका फीडबैक लेता रहता है, फॉलोअप लेता रहता है, तो व्यक्ति पूरा सफल होता है। नहीं तो कई बार दवाई खा लेता है, दवाई का टाइम नहीं रखता, जिस विधि से कही गई वो नहीं खाता। तो यहाँ तो बाबा ने कहा उनको अट्रैक्शन होगा, खींचेगा, क्या चीज़ खींचेगी, जैसे किसी व्यक्ति का पाप कर्म है और उसके अंदर कोई पाप कर्म का संस्कार है, तो ना चाहते हुए भी उसको वह संस्कार खींच लेता है। किसी को गुस्सा की आदत है तो आप देखिए बाकियों की भेंट में ज़्यादा है, तभी तो कहते हैं इसको गुस्से की आदत है। अब गुस्से जब भी मौका आएगा तो गुस्सा उसको खींचेगा, फटाफट गुस्सा करेगा। किसी को अपना शो करने का आदत है तो कोई भी मौका हो वो अपना शो करेगा। और जाता व्यक्ति कहाँ है, मान लो बड़ी पोस्ट वाले हैं तो क्या करेंगे वो, उसको आप ज़्यादा रोक नहीं सकते, वो कहेंगे हम तो यूनाइटेड नेशन में जाके उसके असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है, अपनी कुर्सी पर बैठेंगे तो उनको वो सारी फीलिंग आएगी। घर में जाते हैं, क्यों जाते हैं, कि घर में रेस्ट मिलता है, परिवार मिलता है। तो बाबा कहते लौकिक चीज़ें भी तो खींचती हैं ना, इसी प्रकार से अलौकिक जो पुण्य की कमाई होगी जो उन्होंने जमा की, और बाबा ने विधि बताई, एक बार ही अच्छा कहा, दुनिया में और चीज़ों में वो संकल्प दब गया, कि जैसे किसी वेस्ट के अंदर किसी का हीरा दब जाए। अब बाबा कहते हैं बार बार कहेगा तो उसको उसकी स्मृति आएगी, उसके जीवन में आएगा, क्योंकि सारा ध्यान आएगा वहाँ लाइफ कैसी थी, लोग कैसे प्रेम से रहते थे, काले गोरे सब, कोई फीलिंग ही नहीं था, आत्मा रूप से थे, स्नेह देते थे असली। फिर बाबा कहता है जिनको देख सुनाएगा और जो लोग उसकी पोजीशन के द्वारा प्रभावित होंगे, हर एक का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, उनका भी उसको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये जो पुण्य का जमा हुआ खाता उनको पुण्य की तरफ खींचेगा,
क्योंकि बहुत श्रेष्ठ चीज़ है ये। यानी यदि हम अपने पुण्य को बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़े से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं और वो थोड़ा थोड़ा जमा होते होते हमारे पूरे भाग्य को बनाता है। ये तो सीधी बात है, लोग जितने बड़े पूंजीपति बनते हैं अगर आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो ज़रा से शुरू करते हैं, लेकिन उनकी विधि सही होती है, खर्चा कम करते हैं, जमे ज़्यादा करते हैं, तो एक दिन पूंजीपति बन जाते हैं। इसी कहा जाता ना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अर्न द फर्स्ट फ्यू थाउजेंड, वो बेस है, फाउंडेशन है, उसके बाद तो आप ही बढ़ता रहता है। तो बाबा कहते हैं ये मौका है उनको, जो थोड़ा सा हाथ में आया है उसको विधि से उसको बढ़ाने का तरीका बताओ। यानी ये लर्निंग पॉइंट है हर एक के लिए। हाँ। क्योंकि कई बार लोग पूरी तरीके से पूरा करने के लिए अपने पुण्य को डिले कर देते हैं कि ये हो जाए तब हम ये कार्य करेंगे, या हो जाए तब हम सेवा करेंगे, या तब हम ज्ञान को और अच्छी तरह से सुनेंगे। नहीं, जितना भी समय है उसमें भी अगर हम थोड़ा थोड़ा अपना पुण्य, अपना ज्ञान ऐड करते जाएं, तो नेचुरली वो हमें उस, वो एनर्जी हमको उस तरफ खींचेगी। देखिए, हम बाबा के ज्ञान देने वाले बच्चों का भी ऐसा ही है, कईयों को बहुत अच्छा ज्ञान समझाना आता है, स्पष्ट कर देते हैं, उसके बाद वो समझते मेरी ड्यूटी पूरी, मैंने इसको ज्ञान सुनाना था सुना दिया। और कई होते हैं उसको ज्ञान भी सुनाते हैं, उसको साथ भोजनालय में भी ले जाते हैं, भोजन में बैठकर उनको भोजन का महत्व बताते हैं, जब वो तक वो जाता नहीं उसको छोड़ने जाते हैं, उसका जो प्रभाव उस पर पड़ता है व्यवहारिक प्रभाव, वो सोने पर सुहागे का काम करता है। तो बाबा ने कहा कि अर्थात तुनो के खाते में पुण्य की पूंजी जमा हो जाती है और वही पुण्य की पूंजी अर्थात पुण्य का श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनने के लिए उन्हीं को खींचता रहेगा। इसलिए जो भी अभी डायरेक्ट बाप की भूमि से कुछ न कुछ लेके गए हैं, चाहे थोड़ा चाहे बहुत, लेकिन उन्हों से ही दान कराओ अर्थात सेवा कराओ। तो जैसे स्थूल धन का फल सकामी अल्पकाल का राज्य मिलता है, वैसे इस ज्ञान धन का व अनुभव के धन दान करने से भी नए राज्य में आने का पात्र बना देगा। बहुत अच्छे प्रभावित हुए, अब उन प्रभावित हुई आत्माओं द्वारा सेवा कराए उन आत्माओं को भी सेवा के बल द्वारा आगे बढ़ाओ और अनेकों के प्रति निमित्त बनाओ। क्योंकि बाबा कहते हैं ये जो कॉन्फ्रेंस बड़ी बड़ी करते हैं ऐसे ही नहीं होती। एक तो होता है ना, कॉन्फ्रेंस किया, बहुत अच्छा धमाका हुआ, रोशनी हुई, उसके बाद ख़त्म। तो बाबा ने क्या बताया कि उन्होंने जो प्राप्ति की है उस प्राप्ति का दूसरों को अनुभव सुना के, और उसके अनुभव सुनाने से जो उनको कमाई की खुशी होती है, उस बल से फल निकालो और उनसे पुण्य कराओ। अब देखिए, एक बीके, हम लोग सब बीके हैं, हमने तो ज्ञान को समझा हुआ है, हमें निश्चय हमने धारण किया हुआ है। एक बीके किसी को बाहर वाले को जाके ज्ञान सुनाता है तो उसके मन में पहला प्रभाव क्या आता है, हर एक जो जिसका फॉलोअर होता है वो अपनी महिमा तो करेगा ही, हम बीके हैं हम बीके की महिमा कर रहे हैं, कोई क्रिश्चियन पादरी है तो क्रिश्चियन की महिमा कर रहा है, तो हाफ उसके सत्य को पहले ही वो समझेंगे कि ये अपनी बात करेगा। लेकिन अगर एक दूसरा आदमी जो बीके नहीं है और बीके में केवल 3-4 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया है और नामी ग्रामी उसकी प्रसिद्धि है कि ये कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं कुछ कर रहा है, अगर कुछ बोल रहा है सचमुच इसको कुछ मिला होगा, अगर वो जा कर के यही बात जो हम खुद कहते हैं वो कहता है तो कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि एक VIP मान लो अमेरिका से इस प्रोग्राम में यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल आ गया, वो कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। यूनाइटेड नेशन सारे देशों की असेंबली, उसका भी सेक्रेटरी जनरल, तो बाबा कहते उसकी आवाज़ तो चलेगी ना। इसलिए बाबा समझा रहे हैं इसको, जो तुमने ये सेवा की है इसको पूरा फलीभूत करो। तो बाबा ने कहा समझा क्या करना है, सर्विस वृद्धि को तो पा रही है और पाती रहेगी, लेकिन
अब क्लास में स्टूडेंट्स की वैरायटी बनाओ, अभी तो विदेश वालों का मिलने का साकार रूप का इस वर्ष के लिए सीजन का पाठ पूरा हो रहा है, लेकिन देश वालों का तो आह्वान हो रहा है, सुनाया सुनाया ना, साकार वतन में तो समय का नियम बनाना पड़ता है और आकारी वतन में इस बंधन से मुक्त है। अच्छा, चारों ओर के उमंग उत्साह वाले सेवाधारी बच्चों को सदा बाप के साथ साथ अनुभव करने वाले समीप आत्माएं बच्चों को सदा एक ही याद में एक रस रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थे बाप दादा के मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा ने हमें फ्यूचर में किस प्रकार सेवा होगी उस ओर भी कई इशारे दिए, कैसे शुभ संकल्प द्वारा, दिव्य बुद्धि द्वारा, दिव्य दृष्टि द्वारा लोगों को अपना अपना ठिकाना मिलेगा। इसलिए हमें अपने शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों के बल को बढ़ाना है। ओम शांति।